अधिकारी यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी विशेष सचिव स्तर के हर जनपद में भेजने का निर्देश दिया है। जो अधिकारी कमिश्नर्स की जो मार्गदर्शन है उसके अधीन काम करेंगे। आप सबको मालूम है कि प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो है छात्र और श्रमिक लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से अधिक लोग लौट चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 से अधिक लौट चुके हैं, राजस्थान से करीब 11,000 से अधिक लौट चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लौट चुके हैं, कोटा से छात्र करीब 12,000 लौट चुके हैं, प्रयागराज के छात्र ही हमारे प्रदेश के 15,000 अगल बगल के आसपास के जनपदों में जा चुके हैं, और गुजरात से अब तक 2 ट्रेन हमारी जो है आगरा और कानपुर आ चुकी हैं, और अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ौदा, नाडियाड, साबरमती और खेड़ा साबरमती 5 ट्रेनें हमारी गुजरात से चल चुकी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर यथा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर जो है पहुंच रही हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में हमारे श्रमिक और हमारे साथी जो कामगार हैं वो आ रहे हैं। आपने देखा लखनऊ में जो ट्रेन आई बहुत व्यवस्थित रूप से जो है हर श्रमिक का उतर कर उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनको भोजन आदि कराया गया और फिर व्यवस्थित रूप से रोडवेज की यूपी रोडवेज की बसों को से उनको जो है अपने घर भेजा गया। अपने घर यानी पहले अपने जिले में जाएंगे, जिले में वहां पर जिलाधिकारी रिसीव करेंगे, फिर उनकी एक बार चेकिंग होगी और फिर उसके बाद वहां चेकिंग करने के बाद जिनका कोई भी सिम्टम है आदि नहीं होगा वो होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र से हमारी दो हमारी ट्रेन आ चुकी हैं, वसई से आ चुकी है गोरखपुर, भिवंडी से गोरखपुर आ चुकी है। दोनों में जो है लगभग 1,073 और 1,200 यानी लगभग 2,273 से अधिक लोग आ चुके हैं, और 2 ट्रेन हमारी नागपुर से और अमरावती से लखनऊ ऑलरेडी आ रही है। हम लोग जो है अभी तक जो व्यवस्था कर रहे हैं हम आपको पूरी रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी की बताना चाहेंगे, और ये हर प्रदेश के लिए उन्होंने आदेश किया है कि वहां से ट्रेन से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस काम को अगले 10 से 15 दिन में जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। कल शाम को उन्होंने 6 बजे मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी संबंधित प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव और ट्रांसपोर्ट सचिव के साथ बैठक की और ये निर्देश दिया कि प्रत्येक मंडल में कम से कम 1 ट्रेन जरूर आ जाए, यानी लगभग 18 से 20 ट्रेन मिनिमम जो है प्रतिदिन आ जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र से लगभग 6 ट्रेन हम डेली मंगा रहे हैं, गुजरात से 6 ट्रेन डेली मंगा रहे हैं, पंजाब से सरकार से बात हो गई है, बहुत जल्दी ही जो है लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ से भी ट्रेन जो है वहाँ मेडिकल चेकअप के बाद, सूची के बाद वो भी ट्रेन चलाना 1 या 2 दिन में शुरू कर देंगे। कर्नाटक से पहली ट्रेन जो है बेंगलोर से चालू करने के लिए हम लोगों ने सहमति दे दी है, और केरल से भी ट्रेन लाने की व्यवस्था हम लोग शुरू कर दिया, और जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों को पत्र गया जा रहा है या चला गया है कि वो अपने प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे श्रमिक और कामगारों को ट्रेन से यदि भेजेंगे तो हम लेने के लिए सहमत है। ये मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कार्रवाई कर दी गई। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि जहां ये जो कामगार और श्रमिक लौट रहे हैं पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम भी जो है उपलब्ध रहे, ये बहुत आवश्यक है। ये निर्देश उन्होंने दिए कि क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम में जो लोग हैं उनको कम्युनिटी किचन से भोजन की व्यवस्था उनको सुचारू रूप से मिले, अलग अलग अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर और अलग अलग अधिकारियों को जो किचन है उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे कि हम लोग जो है फील्ड में इंश्योर कर सकें कि हर सेंटर की और हर कम्युनिटी किचन की अच्छी व्यवस्था हो। जो भी कम्युनिटी सेंटर या किचन अगर है तो वहां पर और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी जियो टैगिंग भी करा ली जाए, साथ साथ जो है वहां पर कैमरे भी लगा दिए जाए जिससे वहां की व्यवस्था और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके। उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है, ये बहुत आवश्यक है कि हर जिलाधिकारी अपने क्वारंटाइन सेंटर का प्रतिदिन जो है निरीक्षण करे
और इसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वहां जाने के लिए भी निर्देशित करें। मैं आपको इतना और बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, जो जिले स्तर के क्वारंटाइन में है, उनको होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया जाए। अब तक जो है आज या कल में सभी जिलाधिकारी अपने यहाँ लगभग जो 60,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, उनको अपने होम क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। केवल अस्वस्थ लोग जो है उनको ही जो है चिकित्सकीय व्यवस्था के साथ उनको आगे जो है उनका मेडिकल परीक्षण और मेडिकल उनका उपचार कराने का निर्देश है। हर व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का भरण पोषण भत्ता मिले, राशन का किट मिले, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान जो है अपने पूरे गांव की व्यवस्था देखें और शहरी क्षेत्र में सभासद भी अपने क्षेत्र की व्यवस्था देखें, जिससे कि कोई कठिनाई किसी तरह से ना आए। हॉटस्पॉट में कर्मी जो कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं वो नहीं जाएंगे, यानी अगर हॉटस्पॉट में कोई भी कर्मी है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, न अपने कार्यस्थल में जाएगा। इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी दिया है कि हर आदमी मास्क और फेस कवर लगाए, कोई भी किसी भी रूप में कठिनाई ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, और साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर आदि इसकी भी अच्छी व्यवस्था कराई जाए। इमरजेंसी सेवाओं के जो चिकित्सालय हैं उनकी सूची संकलित करके पब्लिक डोमेन में दी जाए, जिससे हर जनपद में जानकारी हो कि कौन से सेंटर मेडिकल ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद आदि जनपदों में विशेष निगरानी जो वरिष्ठ अधिकारियों माध्यम से जिनकी चल रही थी वो लगातार चलती रहेगी और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे प्रभावी संवाद जारी रहेगा। जनपद का नाम है आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद। लेबर रिफॉर्म पर उन्होंने निर्देश दिया है कि बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर जो भी निर्णय किया जाना है वो संबंधित विभाग लेबर डिपार्टमेंट जो है उसको टेकअप करे। उन्होंने जो है लेबर डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री जी और जो उनके अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया है कि वो जल्दी ही अपनी मत देकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जब कोविड में लॉकडाउन पूरा था, अगर उस समय ईंट भट्टा चलाए जा सकते थे, उस समय चीनी मिलों को चलाकर गन्ना पेरा जा सकता था और एक भी गन्ने के किसान को कठिनाई नहीं आई, तो अब लॉकडाउन 3 में भी जो है उद्योगों को चलाकर किसी भी रूप में जो है किसी भी हमारे श्रमिक को, मजदूर को कोई कठिनाई ना आए, ये हर जिलाधिकारी सुनिश्चित करे। एक एक जिले में उद्योग कैसे शुरू होगा इसकी समीक्षा वो कर रहे हैं। IIDC महोदय को निर्देश उन्होंने दिया है कि एक एक जिले का समीक्षा करते हुए ये इंश्योर करें कि उद्योग वहाँ चले। भारत सरकार की एडवाइजरी और स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी दी है उसको जरूर पालन हो, लेकिन निवेश नए सिरे से जरूर आकर्षित हो और सेक्टोरियल नीतियों का भी जो है नए सिरे से जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत के लिए कार्य योजना बहुत जल्दी बन रही है। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ODOP विश्वकर्मा सम्मान दुग्ध समितियों से जोड़ने का कार्य ये किया गया है। हमारे कुछ साथियों ने पूछा था राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी के बारे में, यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी के पास राशन कार्ड है तो कहीं भी पूरे देश में ले सकता है। ये एक्सपेरिमेंट नेशनल पोर्टेबिलिटी का उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, यानी महाराष्ट्र के जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में थे उनको राशन उत्तर प्रदेश से पहली बार मिला है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो लोग गोवा और कर्नाटक में हैं अभी, उनको गोवा और कर्नाटक की सरकार की राशन कार्ड दुकानों से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड पर खाद्यान्न मिल गया। तो ये नेशनल पोर्टेबिलिटी का कार्य जो है पहली बार शुरू हुआ है। इससे प्रदेश में जो मूल निवासी हैं जी, इससे जो प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको काफी फायदा हो रहा है। इसमें जो ये
फायदा है, ये अंतर जनपदी भी है, यानी कोई एक जनपद पे अगर व्यक्ति है दूसरे जनपद से भी ले सकता है, एक जनपद के अंदर किसी और दुकान से भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपनी ही दुकान से ले। तो ये जो पोर्टेबिलिटी है इसका बहुत लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी हैं श्री विक्रम सिंह, उनको गोवा में, और दो लाभार्थी वीरेंद्र प्रसाद और दीपक यादव है कर्नाटक में, उनको राशन कार्ड मिला है। और उन्होंने ये भी बताया कि दो महाराष्ट्र के लाभार्थी राहुल वर्मा और मोहम्मद अमन रमजान खान ने पोर्टेबिलिटी के तहत जनपद सुल्तानपुर से महाराष्ट्र के रहते हुए भी राशन कार्ड अपना राशन उठाया है। ये बहुत बड़ा काम जो है जो हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों से निजात मिलेगी। मैंने जैसा आपको बताया, गृह विभाग जो है नोडल डिपार्टमेंट है, ट्रेन को लाने के लिए कोशिश गृह विभाग की यह है कि अन्य प्रदेशों से ट्रेन से कामगारों को और श्रमिकों को लाया जाए। अब तक काफ़ी संख्या में ट्रेन आ चुकी हैं। जो भी कामगार या श्रमिक हैं, यदि वो प्रदेश लौटना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपील कर रखी है कि वो अपने प्रदेश के जो जनपद में जहां हैं वहां जिला मजिस्ट्रेट या उनके कार्यालय से संपर्क करें, और वहां से सूची बनवाकर जिला मजिस्ट्रेट जैसे ही यहाँ मांग भेजेंगे, ट्रेन भेजने की व्यवस्था करेंगे, हम तुरंत उसको स्वीकार करके वहां से ट्रेन लाने की व्यवस्था करेंगे, और फिर घर लाकर उनको जो है अपने स्टेशन से रोडवे से निशुल्क जो है उनको जिले स्तर तक ले जाएंगे, और जिले स्तर में चेकिंग के बाद होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। हाँ जी, वहाँ के जिला जी तो नोडल अफसर यही काम कर रहे हैं कि वो उन जिलों के राज्यों के जिलाधिकारियों से बात करके, प्रदेश सरकारों से बात करके वहाँ ट्रेन चलाने और रिक्विजिशन करने का कार्य कर रहे हैं। जो अपने वाहन से लाना चाह रहे हैं वो भी कोशिश यही करें कि वो वहाँ पर जो है जिले स्तर पर अपनी सूची बनवा कर एक व्यवस्था के अनुरूप आए, जिससे कि अलग अलग वाहनों में उनको आना ना पड़े, खर्चा भी ना ज़्यादा पड़े। थैंक यू। ट्रेन का किराया श्रमिक खुद ही दे रहे हैं और उसी तरह से आ रहे हैं। बताइए। एक धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1939, टोटल एक्टिव केसेस 1939। अभी तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 758। ये संक्रमण कुल 64 जिलों से आए हैं, कुल संख्या 2742। पूल टेस्टिंग लगातार चल रही है। कल भी 289 पूल लगाए गए, 289, जिसमें 1397 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। 289 में से 15 पूल पॉजिटिव आए और 274 पूल निगेटिव आए। कल प्रयोगशालाओं को 3328 सैंपल भेजे गए और प्रयोगशालाओं में 4021 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। जो पीछे का बैकलॉग था वो क्लियर हो रहा है लगातार, और अभी तक प्रदेश में टेस्ट हुए 4021, और अभी तक प्रदेश में 90,821 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए जा चुके हैं। इस समय 20 प्रयोगशालाएं या तो कार्यरत हो गई हैं या बिल्कुल कार्यरत होने के कगार पर हैं। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 2024 लोग रखे गए हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या और जो भी लोग लक्षणों वाले पाए जाते हैं इनको रखा जाता है, उनकी संख्या है 11049। जो प्रदेश में जो संख्या, इतनी बड़े प्रदेश में जो संख्या सीमित रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मेडिकल की जो टीमें हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो उन्होंने सर्विलेंस का काम किया है, चाहे वो हॉटस्पॉट का एरिया हो कंटेनमेंट जोन में या उसके बाहर, जो घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करते हैं, लक्षणों की जांच करते हैं, पूछते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अभी तक प्रदेश में 50,193
टीमों ने सर्वेलेंस का काम किया है 50,193, इनके द्वारा 43,56,923 घरों का सर्वेक्षण किया गया, 43,56,923 हाउसहोल्ड्स उनका सर्वे किया गया है, और जिसमें जो जनसंख्या कवर की गई है सर्वेक्षण में ये है 2,16,78,495, 2,16,78,495, इतने आबादी को अभी तक 50,000 से ज़्यादा टीमों ने कवर किया है। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं ये अनुरोध करूं जनता से कि ये बीमारी संक्रामक है और ये किसी को भी हो सकती है। सरकार ने इसके जांच और चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की है, इसलिए आप अगर लक्षण पाते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, सामने आइए, आकर के अपनी बीमारी के बारे में जांच कराइए। आपकी जांच भी निःशुल्क होगी, आपकी चिकित्सा भी निःशुल्क होगी। जब भी देखा गया कि जिस भी केस में लोगों की तबीयत खराब हुई वहाँ यही बात हुई है कि वो विलम्ब से चिकित्सा सुविधा पाने के लिए आगे आए। खास करके हमें अपने बुजुर्गों का और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनका हमको ध्यान रखना है, और जो लोग अभी दूसरे प्रदेशों से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि उनको घर जो अगर परीक्षण करने के बाद उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है तो अपने घर में वो अपने घर में ही रहें, अपने पास पड़ोसी दोस्तों से न मिलें 21 दिन तक, अपने घर वालों से भी दूर रहें, अपने जो परिवार के बुजुर्ग हों और खास करके जो बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों या जो किन्हीं जिनको पहले से कोई बीमारी हो उनसे वो दूरी बरतेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण अगर किसी में हो तो बिल्कुल न जाने पाए, और वो भी जो होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे उसमें बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपके माध्यम से हम लोग फिर से ये सबको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से घबराना नहीं है, इससे सावधानी से हमें अपना बचाव करना है, और उसके लिए साबुन पानी से हाथ धोना निरंतर, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और उसके लिए अपने फेस को कवर करना, अपने मुंह और नाक को मास्क से या गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से कवर करना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से हम फिर से एक बार उन सभी लोगों को, डॉक्टर्स को और नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर्स जो कोविड केयर में लगे हुए हैं और जो लोग इसमें पूरी टीम सर्वेक्षण में सहायता कर रही हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे राजस्व के हों, चाहे सैनिटाइजेशन जो कर रहे हैं वो लोग हों, या और जो भी लोग इसमें सहायता कर रहे हैं इस पूरे पब्लिक हेल्थ के अभियान में, जो पूरे राज्य के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। इसमें एक निवेदन यह है कि जो कोरोना के एक्टिव केसेस और डेथ्स और बाकी आंकड़े हैं वो जरूर प्रमाणित आंकड़े लीजिएगा। कई बार जो है गलत आंकड़े लोग चला रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाए। कल जो है एक बहुत बढ़िया कार्य जो है एयरफोर्स ने किया था, हम जरूर उसकी तारीफ करना चाहेंगे कि एयरफोर्स ने बहुत अच्छा कार्य, पुष्प वर्षा भी जो है की है। थैंक यू। गृह अवनीश अवस्थी ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा छात्र और श्रमिक आ चुके हैं और सबसे ज्यादा